हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो मैं कई डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के नोटिफिकेशन में रिव्यूज के साथ साथ उनके कंस्ट्रक्शन अपडेट भी आप लोगों को बीच बीच में देता रहता हूँ, सो दैट अगर आपने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है तो आपको उस प्रोजेक्ट की करंट स्टेटस का पता चल जाए, या अगर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की या आसपास इन्वेस्टमेंट करने की आप सोच रहे हैं तो आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन स्टेज और उसके पोजिशन टाइमिंग का क्लियरली पता चल सके। सो उससे बेनिफिट आपको ये होता है कि आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का जो एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी है, यानी ग्राउंड स्टेज में जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है वो पता चल जाता है, या उन प्रोजेक्ट्स की कमियां और खामियां या अच्छाइयां पता चल जाती है, जिससे कि आई होप आपको हेल्प मिलती होगी अपना डिसीजन बनाने में। तो इसी सिलसिले में आज जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका मैं आपको एक्चुअल जो कंस्ट्रक्शन साइट है या एक्चुअल कंस्ट्रक्शन अपडेट है वो देने वाला हूँ, वो है इरोज ग्रुप का संपूर्णम 2। उससे पहले ऑलरेडी मैं एक वीडियो डाल चुका हूं जिसमें मैंने इरोज संपूर्णम का कंप्लीट प्रोजेक्ट रिव्यू किया है, जिसमें उसकी क्या लोकेशन है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, या कितना बड़ा वो प्रोजेक्ट है, उसकी सारी जानकारी मैं लास्ट वीडियो में आपको दे चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो में वापस आइए, सो दैट आपको आइडिया आए डिफरेंट टावर्स का और बाकी की चीजों का। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और बताता हूं मैं करंट जो ग्राउंड रियलिटी है या जो साइट की एक्चुअल कंस्ट्रक्शन स्टेज है इरोज संपूर्णम 2 की। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उसे लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट इस तरह की जो वीडियोज है वो आप तक टाइमली पहुंच पाए। तो आगे चलते हैं वीडियो में। सो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो उसमें आपको ये पता होगा कि जो इरोज संपूर्णम 2 है या संपूर्णम 2 है उसके जो करंट फेज अभी चल रहा है, यानी जो सेकंड फेज का ए पोर्शन चल रहा है, उसमें 10 टोटल ओवरऑल टावर आ रहे हैं। सो ये जो 10 टावर है इसमें आपको 2 BHK, 2+ Study, 3 BHK और 3+ Servant, ये साइजेस डिफरेंट वेरियंट मिलते हैं। टोटल 10 टावर में से जो टावर्स हैं वो है बेसिकली Y12 से लेकर 15 तक, उसके बाद H3, A3, B3 एंड B4 और G5 एंड G7, ये टोटल 10 टावर आ रहे हैं इस करंट जो अभी फेज चल रहा है उसमें। टावर है वो दो फेज में उनकी डिलीवरी होनी है। फर्स्ट फेज में जो कि 4 टावर डिलीवर होंगे, जिनका की जो हैंडओवर है वो नेक्स्ट ईयर यानी जून 2025 में होने की संभावना है। उन टावर्स की फिनिशिंग चल रही है, वो कौन कौन से टावर है मैं उसमें अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। और रेस्ट बाकी के जो बचे 6 टावर हैं इस फेज के, वो उसका जो हैंडओवर होगा वो होगा सितंबर 2025 में। टेंटेटिव डेट्स है, 2-3 महीने आगे पीछे हो सकता है। तो इन 10 टावरों का जो कंप्लीट जो पोजीशन होगा वो सितंबर 2025 में होगा। उसी के साथ साथ क्लब और जो इसका कमर्शियल एरिया है वो भी अभी जो चार टावर नेक्स्ट ईयर जून 25 में डिलीवर होने वाले हैं, उसके साथ साथ आपको कमर्शियल और क्लब का भी उसकी डिलीवरी होगी। अब वो कौन कौन से टावर हैं वो मैं अभी आगे डिटेल में बताता हूँ, उनका एग्जैक्ट क्या स्टेटस है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सो जो 4 टावर हैं जो कि नेक्स्ट ईयर जून में जिनकी हैंडओवर होने की संभावनाएं हैं, वो टावर्स हैं बेसिकली Y13-14, B3 और G5। अगर आप इन 4 टावरों की पर्टिकुलर हम लोग बात करें तो इसमें स्ट्रक्चर कंप्लीट है, यानी फिनिशिंग का काम हो गया है। आप देख सकते हैं सामने वीडियोस में आउटर फिनिशिंग हो गई है और पेंट का एक फर्स्ट कोट भी हो गया है। अब जो मेजर काम है वो इंटरनल फिनिशिंग का चल रहा है और इसको कोशिश करी जा रही है कि जल्दी से जल्दी हैंडओवर की कंडीशन में लाया जाए। लिफ्ट भी इन कई टावर्स में इंस्टॉल होगी, जैसे अगर ये आप देख रहे हैं B3 टावर है इसमें लिफ्ट भी इंस्टॉल हो गई है, तो ऐसे ही डिफरेंट इन चारों टावर्स में लिफ्ट इंस्टॉलेशन का काम भी चल रहा है और इंटरनल फिनिशिंग का काम चल रहा है। तो नेक्स्ट ईयर 2025 में उम्मीद है कि ये हैंडओवर होने की कंडीशन में होंगे। इसके साथ साथ अगर आप देख पा रहे हैं वीडियो में तो मैंने जो कमर्शियल का भी आप कंडीशन देख रहे हैं, कमर्शियल जो है इनका ऑलरेडी लो ग्राउंड ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का है वो आप देख रहे हैं, उसमें भी फिनिशिंग का काम चल रहा है। स्ट्रक्चर कंप्लीट है, शॉप्स पे शटर्स वगैरह लग चुके हैं, रेलिंग वगैरह का भी काम हो गया है, तो अब जो छोटी मोटी चीजें उनका काम फिनिशिंग स्टेज पे चल रहा है। तो ये जो कमर्शियल है वो भी इन 4 टावरों के साथ डिलीवर होगा और इसके साथ साथ क्लब का भी काम चल रहा है, क्लब भी इस फेज के साथ जून 2025 में हैंडओवर होगा। तो ये 4 टावर, कमर्शियल और क्लब, ये जो टावर्स हैं वो जून 2025 में हैंडओवर होगा। और जो बाकी बची 6 टावर हैं जिनका कि सितंबर 2025 में हैंडओवर होना है, उन टावर्स में भी आप देख सकते हैं वीडियो में स्ट्रक्चर उन सभी टावरों का कंप्लीट है, अब फिनिशिंग का काम चल रहा है। कई टावर्स हैं जिसमें कि आउटर फिनिशिंग का काम चल रहा है, कई टावर हैं जिसमें इंटरनल फिनिशिंग का काम चल रहा है। ब्रिक वर्क भी ऑलमोस्ट बाकी के टावर्स में हो चुका है, बस अगर आप देखेंगे A3 टावर जो है, A3 और G7 टावर में अभी ब्रिक वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी अपर फ्लोर्स में उसका ब्रिक वर्क का काम चल रहा है।
बाकी के टावर्स में जिसमें आप देख सकते हैं H3 हो गया या Y12 हो गया, उसमें ब्रिक वर्क का काम कंप्लीट हो चुका है, अब फिनिशिंग का काम चल रहा है। टावर वाइज आप वीडियो में देखिए, टावर वाइज मैंने पूरे वीडियोस दिखाए हुए हैं कि किस टावर में कितना काम हो गया है। इसमें आप देख रहे हैं H3 और Y12 का ब्रिक वर्क कंप्लीट है, जो अपना A3 और H3 टावर्स है उसका अभी ब्रिक वर्क अपर फ्लोर्स में चल रहा है और स्ट्रक्चर उन टावर्स का भी कंप्लीट है। तो ये कंडीशन है बाकी के 6 टावर्स की। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सेंट्रल एरिया की, जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं, सेंट्रल एरिया नहीं, जो इसका पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो इसमें बेसमेंट के साथ पोडियम आपको मिलता है, जो पार्क है वो बेसिकली अपर फ्लोर में है, तो उसकी भी फिनिशिंग का काम चल रहा है, यानी उसमें अभी लैंडस्केपिंग का काम शुरू होने वाला है। अभी लैंडस्केपिंग का काम शुरू नहीं हुआ है, उसमें जो प्लास्टरिंग होती है या बेसिकली जो वाटर प्रूफिंग होती है उसका काम चल रहा है, उसके बाद इसकी लैंडस्केपिंग पे काम किया जाएगा, जिससे कि जो पहला फेज है यानी 4 टावर्स के साथ साथ कुछ सेंट्रल एरिया का पोर्शन भी हैंडओवर हो सके। इसके साथ साथ अगर प्रोजेक्ट में टावर के बाहर की तरफ हम लोग देखें तो वहां भी फिनिशिंग का काम चल रहा है, यानी उसमें जो ब्यूटिफिकेशन होना है उसका काम शुरू होने वाला है, उसमें प्लास्टरिंग ऑलरेडी हो चुकी है। आप देखें जो प्रोजेक्ट है उसके चारों तरफ जो बाउंड्री वॉल है वो बन चुकी है, और ड्राइव वे है उसका काम भी चल रहा है, उसमें भी प्लास्टरिंग और बाकी फिनिशिंग का काम शुरू हो चुका है। इसी के साथ साथ जो सेकंड गेट है, एक तो ऑलरेडी जो पुराना प्रोजेक्ट जहां से एंट्री है वो गेट है, उसके अलावा जो सेकंड गेट है जो 60 मीटर रोड पे ओपन होता है उसका भी काम चल रहा है, वीडियो में देख सकते हैं, वो काम भी जो सेकंड गेट बनने का है वो भी चल रहा है। तो ये सारे काम होपफुली टाइमली पूरे हो जाएंगे। तो ये था एक छोटा सा वीडियो ये बताने के लिए कि ईरोस संपूर्णम 2 का जो कंस्ट्रक्शन है वो किस स्टेज पर पहुंचा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, आई होप आपको पता लगा होगा कि किन किन टावर्स में कितना काम हो चुका है और क्या क्या काम अभी प्रोजेक्ट में बचा है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो उसे शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ एक बार फिर मैं बोलूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरा तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट इस तरह के वीडियोस आपको टाइमली मैनर में मिलते रहे। तो साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर ये बताइएगा कि क्या आपने इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया है या आपकी इच्छा है इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा, सो दैट हमारी इंटरेक्शन इस तरीके से चलती रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।